हेलो क्लास, नमस्ते। तो जर्मन ग्रामर के महावीडियो में आपका स्वागत है। पहले चैप्टर में जितना भी ग्रामर पार्ट है, इस वीडियो में मैंने वो पूरा कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो डायरेक्टली स्टार्ट विथ पर्सनल प्रोनोमेन एम नॉमिनेटिव। तो पर्सनल का मतलब होता है पर्सनल, स्पेलिंग वैसे ही दिखता है ना इंग्लिश जैसा, पर वो होता है पर्सनल। पर्सनल प्रोनोमेन, प्रोनोमेन एम नॉमिनेटिव। प्रोनोमेन का मतलब होता है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस नॉमिनेटिव में, ठीक है। सर्वनाम, प्रोनाउन का मतलब हिंदी में सर्वनाम होता है। तो पर्सनल प्रोनाउंस जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, और एक्चुअली पूरी जर्मन लैंग्वेज ही तीन केसेस में डिवाइडेड है, नॉमिनेटिव, अकुजेटिव और डेटिव, ठीक है। सिर्फ पर्सनल प्रोनोमेन ही नहीं, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव एंडिंग, ये सारे इन तीनों पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो आज हम पर्सनल प्रोनोमेन नॉमिनेटिव केस कर रहे हैं, ठीक है, ये केस कर रहे हैं हम। तो नॉमिनेटिव जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है। तो जर्मन में सब्जेक्ट को जूबियक्ट बोलते हैं, जूबियक्ट, और उसका आर्टिकल दस होता है, दस जूबियक्ट। लेट्स स्टार्ट। पर्सनल प्रोनोमेन में क्या क्या होता है हम देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं सिंगुलर में क्या क्या आते हैं। सिंगुलर को जर्मन में बोलते हैं सिंगुलर, और प्लूरल को प्लूरारी बोलते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। तो सिंगुलर में आते हैं इश, इश का मतलब आय, मैं, ठीक है, इश आय मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख लेती हूँ मैं। तो नेक्स्ट इज डू, डू मीन्स यू बट इनफॉर्मल, डू मीन्स टू, मैं कहाँ पे लिखू यहाँ पे तू, ठीक है, तू या फिर तुम भी होता है, ओके, तू तुम, ठीक है। नेक्स्ट एर जी एस, एर का मतलब ही होता है, जी का मतलब शी होता है, एस का मतलब इट होता है, ही शी इट, एर जी एस। और एर जो है वो मैस्कुलिन के लिए यूज होता है, मतलब पुल्लिंग के लिए यूज होता है। जी जो है वो फेमिनिन के लिए यूज होता है, मतलब स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। और एस जो है वो न्यूट्रल के लिए यूज होता है, मतलब नपुंसकलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जी, जी का मतलब यू होता है, पर वो फॉर्मल होता है, ठीक है। तो हिंदी में जैसे होता है तू तुम, मतलब दू, तू और तुम मतलब दू होता है यहाँ पे जर्मन में, तू तुम और आप, आपका यहाँ पे मतलब होता है जी। तुम और आप में जो डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस है दू और जी में, ठीक है, और कुछ नहीं है। दू, दू का मतलब तू और तुम, जी का मतलब आप, पर ये सिंगुलर, जैसे आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, तो हम ये जी लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्लूराल, प्लूराल में आते हैं वीयर, वीयर का मतलब वी, हम ये आप, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर, ईयर का मतलब तुम लोग, तुम सब, तुम लोग, ठीक है, मैं आप लिखती हूँ तुम लोग या फिर तुम सब, ओके, यहाँ पे मैंने ग लिखा है, ठीक है, समझ जाओ, ठीक है, तुम लोग, ये ग है लोग, ठीक है, तुम लोग या तुम सब। ईयर मतलब तुम सब या तुम लोग, यू ऑल बट इनफॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट जी, ये एस छोटा है, मतलब दे, वो लोग, जैसे मैं यहाँ पे सिचुएशन आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैं आपसे जर्मनी के लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूंगी कि वो लोग ये खाते हैं, वो लोग ये पीते हैं, वो लोग ये पहनते हैं, तो मैं ये जी लगाऊंगी तभी, दे, वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट जी फिर से आ गया, एस यहाँ पे बड़ा होता है, इसका मतलब यू ऑल, आप सब, आप मतलब रिस्पेक्ट फॉर्म है, आप, यू ऑल फॉर्मल लोग, पर फॉर्मल, ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर्म होता है और ये फॉर्मल होता है, ठीक है। तो ईयर और जी में यही डिफरेंस है कि तुम लोग और आप लोग, ये जो डिफरेंस हिंदी में होता है वही डिफरेंस जर्मन में होता है, ठीक है, ईयर और जी में, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इश मतलब मैं, आई, डू मतलब तू, तुम जो हम फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर के लिए यूज करते हैं, या फिर हमारे सेम एज ग्रुप के लिए यूज करते हैं, लोगों के लिए वो, ठीक है। फिर एर जी एस मतलब ही शी इट, जी का मतलब यू बट फॉर्मल इन सिंगुलर। तो नेक्स्ट प्लूरल, वीयर मतलब वी, हम, ईयर मतलब तुम लोग,
यू ऑल बट इनफॉर्मल, जी मतलब दे स्मॉलेस्ट, ठीक है, बड़ा एस जी का मतलब होता है यू ऑल या फिर आप सब। सो एक टिप है, आप कैसे इसको याद रख सकते हैं, देर टिप, टिप का आर्टिकल देर है, ओके, एंड कैसे याद रख सकते हैं, इश डू एर सी एस एंड बड़ा जी, ओके, इधर हम लिख सकते हैं इश वियर डू ईयर एर जी एस जी जी उन जी, ठीक है, मैं हम सब टू आप सब एर जी एस वो सब और जी, ठीक है, इश वियर डू ईयर एर जी एस जी जी उन जी, इश डू एर जी एस वियर ईयर जी उन जी, ऐसे इश डू एर जी एस वियर ईयर जी उन जी। उंड का मतलब होता है एंड, उंड मतलब होता है एंड, इश डू एर जी एस वियर ईयर जी उन जी, हो गया खत्म। तो 5 मिनट में हमने पर्सनल प्रोनाउन कर लिया आज, इतना आप यू नो पूरी तरीके से पूरा बाय हार्ट कर लो, रट्टा मार लो, क्योंकि अभी नेक्स्ट वर्ब कॉन्जुगेशन होगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये पर्सनल प्रोनाउन यूज कैसे करते हैं। इसका वर्ब कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन को कॉन्जुगेशन बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। तो वर्ब का मतलब होता है एक्शन, जो हम वर्ब बेसिकली डिस्क्राइब्स एन एक्शन, राइट, सो जो हम काम करते क्रिया उसको वर्ब बोलते हैं। तो जर्मन में जो वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेटेड होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया था हाइज वो नो कॉम, ठीक है, इश हाइज अपर्ना इश वो नो इन पुणे इश कॉम आउस इंडियन। तो ये सारे वर्ब्स जो है वो कॉन्जुगेटेड है ये पर्सनल प्रोनोमेन नॉमिनेटिव से, ठीक है। सुम्बाइश्पील, सुम्बाइश्पील का मतलब मैं बता देती हूँ, सुम्बाइश्पील, सुम्बाइश्पील ऐसे लिखते हैं, पर इसका फुल फॉर्म है सुम्बाइश्पील, मतलब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये बी है, सॉरी। और अकेले बायश्पील का मतलब होता है एग्जाम्पल, बायश्पील, ठीक है, और इसका आर्टिकल होता है दास, दास बायश्पील, सुम्बाइश्पील, ये छोटा छोटे में लिखते हैं कभी कभी, कभी कभी सुम्बाइश्पील होता है, पर इसका मतलब होता है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, और इसका मतलब होता है एग्जाम्पल सिर्फ, ठीक है। सुम्बाइश्पील यहाँ पे मैंने लिखा है इश वो न इन पुणे, यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में इश के साथ, कॉन्युगिएट फॉर्म बोलते हैं इसको, कॉन्युगिएट फॉर्म, पर इसका ओरिजिनल जो फॉर्म है वो वोनेन होता है, वोनेन मतलब इन्फिनिटिव फॉर्म बोलते हैं उसको, ओरिजिनल फॉर्म मतलब इन्फिनिटिव फॉर्म वोनेन, ठीक है। इन्फिनिटिव फॉर्म अभी कैसे पहचाने, अगर किसी भी वर्ड वर्ब के पीछे आप an और n देखें तो उसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, an, आई एम सेइंग इट इन जर्मन, ओके, wohnen, lernen, kommen und so weiter, टू फॉर्म अ सेंटेंस वर्ब नीड टू बी कॉन्जुगेटेड, ठीक है। जब भी हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो वर्ब को हम कॉन्जुगेट करते हैं, और वो कॉन्जुगेशन हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही होता है, और सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है। ये जूबियक्ट है, जर्मन में सिर्फ सी को हटा के लगा देते का, ठीक है, जूबियक्ट, जूबियक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है। और आगे वर्ब्स दो टाइप के होते हैं जर्मन में, एक रेगल में सीगा उन रेगल मेसिक वर्बन, ठीक है, रेगुलर वर्ब्स, ये रेगल मेसिक मतलब रेगुलर वर्ब्स, और उन रेगल मेसिक मतलब उन इरेगुलर वर्ब्स। और आज हम ये सारे वर्ब्स कॉन्जुगेट करने वाले हैं, वोनेन, कॉमन, ट्रिंकन, माकन, स्टूडियरन, योरन, लेनन, इनका मतलब मैं बता दूंगी। पहले हम कॉमन को कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउंस हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किए थे वो कैसे यूज़ करने वो अभी हम मैं बताऊंगी आपको, एंड ऑल्सो जो भी मैं लिखती हूँ मैं उनका मतलब बताने की कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ पे उन जो वाइट है, ये जो इसको बोलते हैं
एक्सेट्रा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सेट्रा बोलते हैं, और जर्मन में इसका फुल फॉर्म है उन जो वाइटर, उन जो वाइटर एक्सेट्रा इसका मतलब होता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू स्ट्रक्चर। नाउ स्ट्रक्चर को जर्मन में स्ट्रक्चर बोलते हैं, देखिए पहले स्ट्रुक फिर उसके बाद टूअ, स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं आपको प्रोनाउंसिएशन अभी से थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ सो दैट आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। और स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का आर्टिकल होता है दी, दी स्ट्रक्चर। फिर वेर्ब कॉन्जुगेशन इम प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब होता है प्रेजेंट, वर्तमान, वर्तमान काल हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हम सीख रहे हैं वो हम प्रेजेंट टेंस में ही सीख रहे हैं अभी, ठीक है। सो कॉमन, कॉमन का मतलब होता है टू कम, और कॉमन जो है वो इन्फिनिटिव फॉर्म है, और ये जो कॉम है सिर्फ, ये जो सिर्फ कॉम जो है ये इसको बोलते हैं वेब स्टाम। ओके सो वेब स्टाम कॉमन, ठीक है। ये जो कॉम है उसको वेब स्टाम बोलते हैं। अभी वेब स्टाम मतलब, वेब का मतलब होता है, वेब का मतलब होता है वर्ब, स्टाम का मतलब होता है रूट, ठीक है। और इस वर्ब का रूट है सिर्फ कॉम, कॉम, और इसके आगे लगती है एंडिंग्स जो हम अभी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए एंडिंग सीखते हैं। ओके एंडिंग को जर्मन में एंडुंग बोलते हैं, और आर्टिकल होता है दी एंडुंग। ठीक है एंडुंग, दी एंडुंग, ठीक है। हम एंडिंग सीखते हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिया है पर्सनल प्रोनोमेन एंड नॉमिनेटिव, ठीक है। तो इसके लिए एंडिंग है वेब स्टाम। अभी वेब स्टाम हमने सीखा है, वेब स्टाम मतलब कॉमन का कॉम है, ठीक है। कॉम लिखने का, और प्लस एंडिंग ई लगती है, जर्मन में ए बोलते हैं, ठीक है। प्लस दी एंडिंग ए, इश कॉमा, ठीक है, इश कॉमा। डू की एंडिंग वेब स्टाम प्लस एस टे, वेब स्टाम कॉम प्लस दी एंडिंग एस टे। एरजीएस, एरजीएस का एंडिंग वेब स्टाम प्लस टे, कॉम प्लस टे। जी का एंडिंग ए एन, कॉम प्लस दी एंडिंग ए एन। वीअ वेब स्टाम प्लस ए एन, कॉम प्लस ए एन। ओके ईयर का एंडिंग टे होता है, टे, ये प्लस है और ये टी है, ठीक है, टे। वेब स्टाम प्लस टे, कॉम प्लस टे, कॉम प्लस दी एंडिंग टे। जी उन जी, वेब स्टाम प्लस ए एन, कॉम प्लस ए एन। ओके सिंपल इनफ, इश कॉमा, डू कॉम्स, एरजीएस कॉम, जी कॉमन, वी अ कॉमन, ई अ कॉम, जी उन जी कॉमन, ठीक है। तो ये एक क्लियर व्यू है स्ट्रक्चर का, इफ यू वांट यू कैन कॉपी दिस, ओके। बट यू नो इस लैंग्वेज में आपको एक्सेप्शंस बड़े मिलेंगे, ये स्ट्रक्चर सारे वर्ब्स के लिए अप्लाई नहीं होते, सारे वर्ब्स के लिए ये नहीं होता, इसीलिए मैंने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स एंड विच आर दे, रेगल मेसी का वर्ब एंड उन रेगल मेसी का वर्ब। तो सारे वर्ब्स ये दो कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है, और उनके हिसाब से फिर कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें होगी। नेक्स्ट वर्ब इज वोनेन, वोनेन का मतलब टू स्टे होता है, ये वर्ब हम, ये वर्ब के ऊपर हम काम कर चुके हैं, ठीक है। ट्रिंकन, ट्रिंकन नहीं होता है वो, ट्रिंग न, ट नहीं, त, त, ट्रिंकन, ट्रिंकन मीन्स टू ड्रिंक। माखन, माखन मीन्स टू डू, टू डू, ड्रिंक मतलब पीना, और डू मतलब कुछ करना, ठीक है। तो ये तीनों वर्ब अभी हम कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पर्सनल प्रोनोमेन नॉमिनेटिव के लिख लिया है, यहाँ पे मैंने जी नहीं लिखा क्योंकि वो अंडरस्टूड है, क्योंकि उन दोनों का कॉन्जुगेशन सेम ही है, वीअर का भी सेम है, बट स्टिल इट्स वो वीअर है, और ये जी 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 तीन बार होता है, इसीलिए एक ही, दो ही बार मैंने एक बड़ा एक छोटा लिख दिया है। वो अंडरस्टूड है, ये यहाँ पे सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है, ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। और ऐसे हाँ कॉन्जुगेट करते हैं वर्ब्स, ठीक है, शॉर्टकट में, हर एक के लिए पर्सनल प्रोनोमेन लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार लिख दो और कॉन्जुगेट करते रहो, ठीक है। इश वोन, वोन वेब स्टाम लगाओ और एंडिंग लगाओ, डू वोन्स, एस टी एंडिंग है। एरजीएस वोंट,
टी एंडिंग है एक्सियस के लिए, वियर वोन एन ई एन एंडिंग है, ईयर वोंट टी एंडिंग है, जी उन जी वोन एन ए एन एंडिंग है, ठीक है। इश वोनो दू वोन एक्सियस वोंट वियर वोन एन ईयर वोंट जी उन जी वोन एन, ठीक है। नेक्स्ट माखन मीन्स टू डू, इश माख एंडिंग ए डू मार्क्स एस टी एक्सियस माख टे एंडिंग वियर माक एन ए एन टे ईयर माक टे एंडिंग है और जी उन जी माक एन ए एन, ठीक है। नेक्स्ट त्रिंकन, त्रिंकन मीन्स टू ड्रिंक, इश त्रिंक ए एंडिंग है, दू त्रिंक्स दू त्रिंक्स प्रोनाउंसिएशन देखिए त्रिंक्स एरजियस त्रिंक ट नहीं बोलना है त बोलना है, वियर त्रिंकन ईयर त्रिंक जी उन जी त्रिंकन, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे कि पर्सनल प्रोनोमन को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इधर मैंने लिखा है बाइशपीलर, बाइशपीलर का मतलब एग्जांपल्स, तो उसका आर्टिकल दी एक बाइशपीलर है, ठीक है एग्जांपल्स, ठीक है। इश वोन इन पुणे, इश का मतलब आई, मैं पुणे में रहती हूँ और आई लिव इन पुणे। डू वोन्स्ट इन पुणे, डू मीन्स तू पुणे में रहता है या तू पुणे में रहती है या तुम पुणे में रहते हो, ठीक है। एरजियस वोंट इन पुणे, ही लिव्स इन पुणे और शी लिव्स इन पुणे, ओके। जी वोन इन पुणे, आप पुणे में रहते हो, आप सिंगुलर, ओके। नेक्स्ट वी आर वोन इन पुणे, वी आर हम पुणे में रहते हैं, वी लिव इन पुणे। यू वोंट इन पुणे, तुम सब पुणे में रहते हो, तुम सब पुणे में रहते हो, यू आर लिव इन पुणे, ठीक है। जी ओके ये कुछ नहीं है, मेरे को आदत पड़ गई ना जी उन जी, तो इसके वजह से ऐसे हो गया है, आदत हो गई ना। जी वोन इन पुणे, दे लिव इन पुणे, वो पुणे में रहते हैं। जी वोन इन पुणे, आप सब पुणे में रहते हो, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, ये एरजीएस को, एरजीएस का मैं और एग्जांपल्स दे रही हूँ यहाँ पे, लेट्स लुक एट द एग्जांपल। तो अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए एरजीएस, एरजीएस को मैंने बताया था ड्रिटा पर्सन सिंगुलर बोलते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। ही शी इट, और एर जो होता है वो मैस्कुलिन के लिए यूज होता है, जी फेमिनिन के लिए, और एस जो है वो नोइत्रुम के लिए यूज होता है, ठीक है। तो देखिए आप पर्सनल प्रोनोमन कैसे यूज करते हैं, मैं बताती हूँ, ये एरजीएस स्पेशली, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है देखिए मैंने, पेटर मार्क दी हाउस ऑफ गाबर। अभी पेटर एक लड़का है, इसका जेंडर हमें पता चल रहा है कि पेटर नाम का एक लड़का है और वो सिंगुलर है, और वो क्या कर रहा है, वो हाउस ऑफ गाबर कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब अभी आपको समझ में आ गया होगा, और ये थर्ड पर्सन इधर समझ में आ रहा, ठीक है, कि यहाँ पे पेटर के बारे में, किसी पेटर के बारे में बात हो रही है। हम जानते भी होंगे उसको, नहीं भी जानते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन थर्ड पर्सन वाली लगेगी, मार्क, ओके, पेटर मार्क द हाउस ऑफ गाबर। अभी इसको हमें पर्सनल प्रोनोमन से रिप्लेस करना है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर और वो भी मैस्कुलिन, तो ये आ जाएगा एयर, एयर एयर मार्क द हाउस ऑफ गाबर, इसके जगह पे यू कैन राइट एयर मार्क द हाउस ऑफ गाबर, ठीक है। तो बार बार पेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, पेटर मतलब नाउन के जगह पे हम पर्सनल प्रोनोमन रिप्लेस करते हैं, ठीक है, नाम को सर्वनाम से हम रिप्लेस करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है देखिए मैंने, जबीना मार्क दी हाउस ऑफ गाबर। तो यहाँ पे फिर से हमें जेंडर का पता चल रहा है कि जबीना एक लड़की का नाम है, वो सिंगुलर है और वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। हम किसी जबीना के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसे जानते भी हैं नहीं भी जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शी इज थर्ड पर्सन, ठीक है। तो जबीना मार्क दी हाउस ऑफ गाबर, इसीलिए यहाँ पे थर्ड पर्सन वाली कॉन्जुगेशन लगेगी, जबीना मार्क दी हाउस ऑफ गाबर, ठीक है। अभी इसको हमें प्रोनाउन से रिप्लेस करना है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन फेमिनिन, जी सिंगुलर, जी ओके। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा जी, बट यहाँ पे सेंटेंस शुरू हो रहा है इसीलिए एस कैपिटल आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, यू नो बिग जी स्मॉल जी, इसके ये मतलब कॉन्जुगेशन से आपको पता होना चाहिए अभी कि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। कोई भी सेंटेंस हम शुरू करेंगे
तो डजेंट मैटर कि वो थर्ड पर्सन है या जी जी एस, एक छोटा होता है, दो छोटे होते हैं और दो बड़े होते हैं। बट कभी भी हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तभी हमें ये एस भी बड़े लिखने पड़ेंगे, कैपिटल लिखने पड़ेंगे। तो अभी वो हमको समझ में कैसे आएगा? तो ये कॉन्जुगेशन से हमको समझ में आएगा, क्योंकि ये तीनों जी के कॉन्जुगेशन एक है, ई एन लगता है और इसका टी लगता है। मतलब इसको समझना इतना हार्ड नहीं है, इजी है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आ जाएगा। ओके, सो जी मार्क द हाउस ऑफ गब, ओडर जबीना मार्क द हाउस ऑफ गब, बाइट इज इन रिस्टेश, बोथ आर राइट। ओके, ओ नेक्स्ट, फ्राउ शीलर लैंड हिंदी। फ्राउ शीलर मतलब मिसेस शीलर, ठीक है, फ्राउ मतलब मिसेस या फिर मिस भी होता है। ओके, फ्राउ शीलर लैंड हिंदी। तो कोई फ्राउ शीलर है, मैं उसे जानती भी हूँ नहीं भी जानती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे लगेगा जी, ये वाला जी लैंड हिंदी, जी लैंड हिंदी। हम फ्राउ शीलर के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो हिंदी सीख रही है। नेक्स्ट, हेयर शीलर लैंड हिंदी। हेयर शीलर मतलब मिस्टर शीलर, ये हेयर शीलर जो है वो जर्मन सरनेम है, ठीक है, हेयर शीलर लैंड हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पर्सनल प्रोनोमेन लगेगा? एयर, एयर लैंड हिंदी। ओके, नाम को हम सर्वनाम से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस नाउन विद प्रोनाउंस। ओके, तो एयर मार्क दी हाउस ऑफ गाबर, जी मार्क दी हाउस ऑफ गाबर, जी लैंड हिंदी, एयर लैंड हिंदी। ओके, अब भी देखिए यहाँ पे ये जो देर दी दास, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जर्मन में हर एक नाउन के लिए एक आर्टिकल होता है, हर एक नाउन के लिए, टेबल, चेयर, वॉल, डोर, एवरीथिंग, सबके लिए एक एक आर्टिकल होता है, ठीक है। और वो होता है देर दी दास। देर होता है मैस्कुलिन के लिए, दी होता है फेमिनिन के लिए, दास होता है नॉर्थ रूम के लिए, मास्कुलिन फेमिनिन उन नॉर्थ रूम, ठीक है। तो और इसका, इन तीनों का भी मतलब होता है द। अगर मैं यहाँ पे लिखूं टिश, तो ये इसका मतलब द टिश, द टिश का मतलब होता है टेबल, तो यहाँ पे ये इसका मतलब होगा द टेबल, द टिश, द टेबल, ठीक है। ये दी अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ताश, ताश मतलब बैग, तो दी ताश मतलब द बैग, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा बुक, तो बुक का मतलब होता है बुक, जो बुक होता है ना, वो दास बुक, द बुक, ठीक है, इसका मतलब द ही होता है। अभी ये जो है इसको, इसको भी हम पर्सनल प्रोनोमेन से रिप्लेस कर सकते हैं, इन तीनों को भी पर्सनल प्रोनोमेन से रिप्लेस करते हैं। जैसे एयर को, देर को एयर, दी को जी, एस दास को एस से रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि ये नाम, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि हमेशा नाउन के पहले, नाम के पहले जो लगता है वो द लगता है, ठीक है। देर दी दास, नाम के पहले जो लगता है वो ये होते हैं, देर दी दास, इनको बोलते, तो इन तीनों को देर दी दास को बोलते हैं बेस्ट इम्ड आर्टिकल, मतलब डेफिनेट आर्टिकल्स, द, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम जर्मन में देर दी दास को पर्सनल प्रोनोमेन से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि देर दी दास जो है वो नाउन के पहले आता है, इसीलिए उसके साथ ही हम एयर को रिप्लेस कर सकते हैं। अभी मैं देर टेश, दी ताश, दास बुक, तो इन तीनों को भी हम पर्सनल प्रोनोमेन से रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे ही एयर, देर को एयर से, दी को जी से, दास को एस से। टिश का जेंडर मस्कुलिन ही रहेगा, ताश का फेमिनिन ही रहेगा और बुक का नॉर्थ में रहेगा, पर सिर्फ हम बार बार द टेबल, देर टिश नहीं बोल सकते, उसके जगह पे हमें एक पर्सनल प्रोनोमेन लगता है, प्रोनोमेन, प्रोनाउन लगता है, ठीक है। बार बार मैं ये बोल रही हूँ कि नाउन को पर्सनल प्रोनाउन से रिप्लेस करना पड़ता है। लेट्स अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, देखें यहाँ पे मैंने उसके मीनिंग्स भी लिखे है। देर टिश इज नॉय, नॉय मीन्स न्यू, टिश मीन्स टेबल, देर टिश इज नॉय। अभी इसको हम पर्सनल प्रोनोमेन से रिप्लेस कैसे करेंगे? एयर, एयर इज नॉय मतलब इट इज न्यू, मतलब ही, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि ही इज न्यू, एयर का मतलब ही भी होता है, इट भी होता है, क्योंकि ये चीज है ना, टेबल एक चीज है, तो इस यहाँ पे एयर का मतलब इट होता है, पर सिर्फ जेंडर दिखाने के लिए कि टेबल एक
मास्कुलिन है, इसीलिए जेंडर दिखाने के लिए हमें एड लिखना पड़ता है, ठीक है? मतलब इट नहीं, एस नहीं लिखते, ठीक है? मेरा मतलब वो था कि एस नहीं लिखते, एड लिखते, क्योंकि एड से हमें जेंडर पता चलता है कि ये जो टिश है वो मैस्कुलिन है, ठीक है? अभी बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि ये देयर दीदास हमें पता कैसे चलेगा कि बहुत मतलब इतने सारे नाउन है तो इसका जेंडर पता कैसे चलेगा। तो थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। ये आपको सेकंड जब भी हम चैप्टर करेंगे तभी आराम से आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा, कैसे होता है क्या होता है ना, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा तभी। इसके ऊपर सेकंड लेसन में एक्सरसाइज है, तो तभी हम डिटेल में इसको सीखेंगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही थी मैं, ठीक है? क्योंकि अभी मेरे को ऐसे जरूरी लगा ये आपको सिखाना, इसीलिए मैं सिखा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट, देयर स्टूल इज कपूट। स्टूल का मतलब होता है चेयर, कपूट का मतलब होता है डैमेज। देयर स्टूल इज कपूट। अभी बार बार देयर स्टूल नहीं बोल सकते, तो देयर को रिप्लेस करने के लिए हमें एयर यूज करना पड़ेगा प्रोनाउन, ठीक है? एयर इज कपूट मीन्स देयर स्टूल इज कपूट। नेक्स्ट, द ताश इज नॉय। ताश मीन्स बैग, नॉय मीन्स न्यू। द ताश इज नॉय। ताश यहाँ पे डी है, फेमिनिन है, देखिए डी फेमिनिन, इसको प्रोनाउन से रिप्लेस करो जी, पर क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है इसीलिए कैपिटल एस। ओके, जी इज नॉट। नेक्स्ट, दी फ्लैश इज आल्ट। फ्लैश मतलब बॉटल, आल्ट मतलब ओल्ड। तो दी फ्लैश फेमिनिन, बिग एस, जी इज नॉट। नेक्स्ट, अभी हमने एस के ऊपर कोई भी सेंटेंसेस नहीं किए, तो यहाँ पे मैंने चार ये एग्जांपल्स लिए। देखिए, दास बुक इज इंटरेसांट। दास बुक मतलब बुक का मतलब बुक, सिर्फ स्पेलिंग बदलता है। इंटरेसांट इंटरेस्टिंग, इंटरेसांट, ओके, इंटरेस्टिंग। दास बुक इसको हमें रिप्लेस करना है प्रोनाउन से, तो प्रोनाउन क्या है एस, तो एस इज नॉय। दस बुक इज नॉय या फिर एस इज नॉय मतलब ओ नॉट न्यू सॉरी इंटरेस्टिंग एस इज इंटरेसांट ओडर। दस बुक इज इंटरेसांट। नेक्स्ट, दस हैंडी इज आल्ट। दस हैंडी मतलब मोबाइल, हैंडी का मतलब मोबाइल, आल्ट मीन्स ओल्ड। दस हैंडी इज नॉय, अभी यहाँ पे भी दस हैंडी मतलब एस लगेगा, ठीक है? एस इज आल्ट। नेक्स्ट, दस हाउस, हाउस का मतलब हाउस इज शोन, शोन का मतलब ब्यूटीफुल, ठीक है? दस हाउस इज शोन, तो दस हाउस फिर से आ गया, फिर हमें एस से रिप्लेस करना पड़ेगा। एस इज शोन मतलब इट इज ब्यूटीफुल, दस हाउस इज शोन। ओके, दस किंड ट्रिंक्ड मिल्क। किंड का मतलब चाइल्ड, मिल्क का मतलब मिल्क, तो दस किंड ट्रिंक्ड मिल्क। अभी ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, यहाँ पर भी हमें एस ही रिप्लेस करना पड़ेगा। किन का मतलब ऑल्दो किन का मतलब चाइल्ड होता है, इट्स नॉट काइंड, ओके, काइंड इंग्लिश में होता है, इट्स नॉट काइंड, इट्स किंड। किन मतलब छोटा बच्चा, चाइल्ड। ऑल्दो इट इज छोटा बच्चा, फिर भी हमें उसे एस के साथ ही रिप्लेस करना पड़ेगा प्रोनाउन, ठीक है? हम एर या फिर जी यूज नहीं कर सकते क्योंकि छोटा बच्चा है, ठीक है? और उसका आर्टिकल जर्मन में दास ही होता है, तो इसको रिप्लेस हमें एस से ही करना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस। एस ट्रिंक्ड मिल्क मतलब वो बच्चा मिल्क पी रहा है, दूध पी रहा है। एस ट्रिंक्ड मिल्क, ओके। तो ये जो आर्टिकल्स है ये कैसे, मतलब किसके आर्टिकल क्या है, इसकी भी कोई ट्रिक, मतलब इसकी भी ट्रिक और ये होता है ट्रिक एंड टिप्स, वो भी सब कुछ है, पर अभी नहीं, सेकेंड लेसन में हम ये सब कुछ करेंगे। सेकेंड लेसन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बस मेरे को ओवरव्यू देना था, तो इजी ना। हाइसेन, हाइसेन मीन्स टू बी कॉल्ड, तो ये वर्ब ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हाइसेन इज इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके, और वर्ब स्टेम यहाँ पे है हाइस, और इसके आगे लगेंगे एंडिंग्स। हाइसेन मीन्स टू बी कॉल्ड। सो यहाँ पे मैंने पर्सनल प्रोनोमेन लिख लिए और यहाँ पे कॉन्जुगेटेड वर्ब। So, ish heiser, do heist, अभी देखिए मैंने
अल्फाबेट के अल्फाबेट वाले वीडियो में ही बता दिया था कि एसेट का मतलब डबल एस होता है और दू की एंडिंग होती है एस टी। तो अगर एस अगर हमने एस लगा दिया और एस टी लगा दिया तो एस 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 टी हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक एस कट कर दिया और सिर्फ टी लगा दिया और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ठीक है। डू हाइस्ट, एज यस हाइस्ट, वी अ हाइसन, ई अ हाइस्ट, जी उन्जी हाइसन। तो इश हाइज, डू हाइस्ट, एज यस हाइस्ट, वी अ हाइसन, ई अ हाइस्ट, जी उन्जी हाइसन। दस नेक्स्ट, आरबाइटन, आरबाइटन मीन्स टू वर्क, आरबाइटन इन्फिनेटिव फॉर्म में और आरबाइट सिर्फ वेब स्टार में, ठीक है। यहाँ पे मैंने पर्सनल प्रोनाउन में लिखे है, यहाँ पे वेब कॉन्जुगेट होगा अभी। इश आरबाइटर, इश आरबाइटर, डू आरबाइटेस्ट, एलजीएस आरबाइटेट, डू आरबाइटेस्ट, एलजीएस आरबाइटेट। अभी इन दोनों में डिफरेंट डिफरेंस आपको दिख ही गया होगा कि एंडिंग एस टी और टी होती है डू और एलजीएस की, पर यहाँ पे उन्होंने इन दोनों में एक एक ई ऐड कर दिया है सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए और कुछ नहीं, प्रोनाउंसिएशन के लिए एक एक ई ऐड कर दिया है। तो इतना मतलब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वर्ड काफ़ी यूज होता है यू नो आरबाइट, तो ये कॉन्जुगेशन को याद रखने में इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको। सो नेक्स्ट, वी आरबाइटन, ई आरबाइटेड, अगेन देखिए ई ऐड कर दिए प्रोनाउंसिएशन के लिए और कुछ नहीं। जी उन जी आरबाइटन, इश आरबाइटर, डू आरबाइटेस्ट, एज यस आरबाइटेड, वी आरबाइटन, ई आरबाइटेड, जी उन जी आरबाइटन। दस नेक्स्ट, स्प्रेशन, स्प्रेशन मीन्स टू स्पीक, स्प्रेशन इन्फिनेटिव फॉर्म है और इसका वर्ब वेब स्टाम है स्प्रेश, इसके आगे लगेंगे एंडिंग्स। यहाँ पे पर्सनल प्रोनोमेन, यहाँ पे वर्ब कॉन्जुगेट किया है। सो इश स्प्रेश, डू स्प्रिश, डू स्प्रिश, एज यस स्प्रिश। स्प्रेशन एक इरेगुलर वर्ब है इसीलिए इसका वर्ब स्टाम डू और एज यस में चेंज होता है, इसको आपको यू नो बाय हार्ट करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कुछ भी करके। डू स्प्रिश, एज यस स्प्रिश, वी स्प्रेशन, ई स्प्रिश, जी उन्जी स्प्रेशन। तो ज़्यादा करके डू और एज यस में वर्ब चेंज होता है, इरेगुलर वर्ब सकते हैं, ईयर में भी आपको उसके चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ओके। तो पिछला वर्ब जो हमने किया आरबाइटन, ये एक रेगुलर वर्ब है फिर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखिए ये ईयर और डू और एज यस, पर ये रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसमें वर्ब स्टाम जो है मतलब रूट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, मगर फिर भी उसकी एंडिंग्स अफेक्ट हो रहे, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को इतने बॉदर नहीं करेंगे अगर आपको ये मतलब कॉन्जुगेशन सबको याद होगे तो। सो इश स्प्रेश, डू स्प्रिश, एज यस स्प्रिश, वी स्प्रेशन, ई स्प्रिश, जी उन्जी स्प्रेशन। तो दास नेक्स्ट, नेमन, नेमन मीन्स टू टेक, इन्फिनेटिव फॉर्म है नेमन और इसका वर्ब स्टाम है नेम, ठीक है, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पे वर्ब कॉन्जुगेटेड, ठीक है। इश नेम, इश नेम, डू निम्स्ट, डू निम्स्ट, एज यस निम्ट, एज यस निम्ट, अगेन ये एक इरेगुलर वर्ब है इसीलिए डू और एज यस में इसको इसका पूरा वेब स्टाम जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। एज यस निम्ट, वी अ नेमन, ई अ नेम्ड, जी उन्जी नेमन। इश नेम, डू निम्स्ट, एज यस नेम्ड, वी अ नेमन, ई अ नेम्ड, जी उन्जी नेमन। तो ये जो तीन वर्ब है, तो ये तीन वर्ब में डू और एज यस, डू और एज यस और डू और एज यस में ही चेंज हो रहा है, बट ये रेगुलर वर्ब है और ये दोनों इरेगुलर वर्ब है इसीलिए इसका जो वेब स्टाम है, जो रूट है जो वर्ब का, वो चेंज हो रहा है, इसमें वो रूट चेंज नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ एंडिंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। सो तो देर इज़ वन मोर वर्ब वी आर कॉन्जुगेटिंग टुडे, पर वो हम ऐप से सीखेंगे। देखिए ये मैंने ऐप बताया था, ये बहुत यूजफुल ऐप है, मैं भी उसको अभी तक यूज़ करती हूँ। तो प्ले स्टोर में जाके आप इंग्लिश टू जर्मन, जर्मन टू इंग्लिश डिक्शनरी डालो, ट्रांसलेटर मत डालो, एंड ऑफलाइन जर्मन डिक्शनरी, सॉरी इंग्लिश टू जर्मन, जर्मन टू इंग्लिश ऑफलाइन जर्मन डिक्शनरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है स्पीलेन, स्पीलेन को हम आज कॉन्जुगेट करेंगे ऐप में से, ठीक है। देखिए ये स्पीलेन है, स्पीलेन मीन्स टू प्ले,
प्ले एक्ट एज सब आपको दिख जाएगा इधर, स्पिलेन मीन्स टू प्ले। तो यहाँ पे ऊपर देखिए कॉन्जुगेशन का, कॉन्जुगेट का ऑप्शन है, देखिए कॉन्जुगेशन का, उसको ओपन किया और हम प्रेजेंट में प्रेजेंस में सीख रहे। तो यहाँ पे लिखा भी है देखो प्रेजेंस, तो इश स्पील दू स्पील्स्ट एरजीएस स्पील्ड, तो यहाँ पे एरजीएस नहीं है तो वो इट्स अंडरस्टूड ना, एयर लिखा तो भी अंडरस्टूड है। और यहाँ पर भी देखिए बड़ा मतलब सिंगुलर वाला जी लिखा नहीं है, फिर वो भी अंडरस्टूड है, ठीक है। वी अश्पीलन ई अश्पील्ड जी उन जी श्पीलन। तो अगर आपको कॉन्जुगेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो यू कैन यूज दिस ऐप, बहुत अच्छा ऐप है। नेक्स्ट हम चलते हैं हिल्स वेब की तरफ। ये जर्मन के दो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ब्स है, इम्पॉर्टेंट मतलब इसको आपको कुछ भी करके याद करना पड़ेगा, ठीक है। इनको बोलते हैं हिल्स वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जर्मन में, वो होते हैं जाइन ज, एस को जहां पर भी आप दिखते हैं वो ज हो जाता है, ठीक है। जाइन जी ज होता है, जाइन और हाबेन, जाइन और हाबेन, ये दोनों इन्फिनिटिव फॉर्म है, ठीक है। तो पहले हम करते हैं जाइन। जाइन का मतलब होता है टू बी। अभी यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन से मतलब समझते हैं। इश बिन मतलब आई एम, यहाँ पे इसका मतलब होता है आई एम, ठीक है। डू बिस, यहाँ पे यू आर आर आता है, ए आर ई, ये होता है एम आई एम। यहाँ ये ईस्ट का मतलब होता है इजी, पहले मैं ये बता देती हूँ। ईयर का मतलब होता है आर, जिन का मतलब जिन, और जिन का मतलब भी आर आर ही होता है, ठीक है आर, ठीक है। इश बिन डू बिस एजियस इस्ट ईयर जाइड वियर जिन जी उन जी जिन, ठीक है। इश बिन डू बिस एजियस इस्ट ईयर जाइड वियर जिन जी उन जी जिन, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कॉन्जुगेशन को आपको याद ही रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। हाबेन, नेक्स्ट हाबेन इन्फिनेटिव फॉर्म में, हाबेन का मतलब होता है टू हैव, और इसका कॉन्जुगेशन है इश हाब, इश हाब। डू हास्ट एजियस हार्ट, एजियस हार्ट। ईयर हाप्ट, ईयर हाप्ट। वियर हाबेन जीउनजी हाबेन, जीउनजी हाबेन, ठीक है। इश हाब डू हास्ट एजियस हार्ट ईयर हाप्ट वियर हाबेन जीउनजी हाबेन, ठीक है। अभी इन दोनों में यहाँ पर तो पूरा ही वर्ब स्टेम है ही नहीं, जाइन कहाँ पर भी आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। पर ये जाइन का ही कॉन्जुगेशन है और ये यहाँ पर डू और एजियस में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मेन वर्ब्स है, मेन हेल्पिंग वर्ब्स है जर्मन के, और ये दोनों भी इरेगुलर वर्ब्स है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये वर्ब्स पे वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ये चेंज चेंजिंग वर्ब्स है, थोड़ा चेंज हो रहे थे और इसका प्रोनाउंसिएशन भी सिखाना था, इसीलिए इसके ऊपर मैंने अलग सा वीडियो बनाया। और मुझे ना ये कॉन्जुगेशन का टॉपिक थोड़ा स्लो लेना है क्योंकि इसमें फिर आपका कॉन्जुगेशन थोड़ा सा पक्का हो जाएगा और इसमें एक्सरसाइजेस भी, और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस है वो हमें करनी है, जैसे कोर्स बुक और आईबार्ट्स बुक में इसके एक्सरसाइजेस है तो वो हमें करनी है। एंड आई एम होपिंग कि आप सब होमवर्क कर रहे, जो भी मैं रेगुलरली होमवर्क दे रही हूँ प्लीज करो। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू अनवेंडुंग। तो दी अनवेंडुंग, अनवेंडुंग का आर्टिकल होता है दी अनवेंडुंग, अनवेंडुंग का मतलब यूसेज, इस्तेमाल करना, ठीक है। तो अनवेंडुंग करते हैं वर्ब्स का। लेट्स ज़ुम बाय स्पील, यहाँ पे मैंने सिर्फ पर्सनल प्रोनोमेन इश के साथ ही सेंटेंसेस बनाए, ठीक है। तो जितने भी हमने वर्ब्स किए वही वर्ब्स के साथ मैंने किया, ठीक है, सेंटेंसेस बिल्डअप किए। इश वोन इन हामबुर्ग, इश वोन इन हामबुर्ग, हामबुर्ग एक सिटी का नाम है जर्मनी में। हैमबर्ग नहीं होगा, हामबुर्ग, हामबुर्ग। इश कॉम आउस डॉयचलैंड, इश कॉम आउस डॉयचलैंड, जर्मन को जर्मनी में डॉयचलैंड बोलते हैं, ठीक है। इश हाइज टोबियास, इश हाइज टोबियास, टोबियास एक जर्मन नेम है, लड़के का नाम है। इश स्प्रेश हिंदी गैन, गैन का मतलब होता है विलिंगली। इश बिन फ्यूम फुन ज्वानजिश यार आल्ट, इश बिन आई एम फ्यूम फुन ज्वानजिश यार आल्ट, ठीक है।
नेक्स्ट इश हैब आइन प्रॉब्लम, इश हैब आइन प्रॉब्लम, आइन का मतलब होता है एक, प्रॉब्लम का मतलब होता है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम अभी ये इंग्लिश जैसा ही दिख रहा है पर उसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ठीक है। इश त्रिंक टे गैन, इश त्रिंक टे, टे का मतलब होता है टी, चाय, गैन का मतलब विलिंगली, ठीक है। इश त्रिंक टे गैन, इश माख दी हाउस ऑफ गाब, दी हाउस ऑफ गाब पता है आपको, ठीक है। इश माख आई एम डूइंग, इश आर्बाइट बाय जिमेंस, अभी आर्बाइट का मतलब होता है वर्क, जिमेंस एक जर्मन कंपनी का नाम है जो इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। बाय यहाँ पे प्रेपोजिशन है, जब भी हम किसी कंपनी का नाम लिखते हैं तो उसके आगे बाय लगाते हैं, ठीक है। इश आर्बाइट बाय जिमेंस। नेक्स्ट इश स्टूडियर बियोलॉजी, बायोलॉजी इंग्लिश में होता है, यहाँ पे बियोलॉजी, इश स्टूडियर बियोलॉजी, इश योर म्यूजिक इम रेडियो, रेडियो पे मैं म्यूजिक सुन रही हूँ, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक इन रेडियो। इश लर्न डॉइच, इश लर्न डॉइच, जर्मन सीख रही हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सेंटेंसेस बिल्डअप करने हैं। अभी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इश नहीं, बाकी इश को छोड़ के सारे पर्सनल प्रोनोमेन के साथ आपको ये सेंटेंसेस बिल्डअप करने, कॉन्जुगेट करने, ठीक है। सिर्फ कॉन्जुगेट ही करने, बाकी जैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ कॉन्जुगेट करने, ठीक है। और एक आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, लेट मी शो यू माय बुक फर्स्ट। ये हमको एक अवगाब दिया गया था, अवगाब का मतलब होता है, देखिए मैं इधर ही मेरे मुख में ही लिख देती हूँ, दी अवगाब मतलब होता है टास्क, एक टास्क देते हमारे क्लास में, हमें टास्क दिया गया था कि हमारे जो भी मेरे साइड में ये लड़की बैठती थी अश्विनी, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो दास इज अश्विनी, तो दास का मतलब होता है दिस इज अश्विनी, दास का मतलब होता है यहाँ पे दिस, ठीक है, मैं इधर ही लिख देती हूँ, दिस इज अश्विनी। तो मैंने उसके बारे में लिखा है, देखो जी वोंट इन वोने जी कॉम्टस तुने जी इज स्टूडेंट इन जी लैंड डॉइच जी इज द्राउन वन जी शियर आल, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने फ्रेंड के बारे में, रिलेटिव के बारे में, या फिर मम्मी पापा बहन भाई उनके बारे में आप लिख सकते हो ऐसे ही। वेफ्रागन मतलब WH questions, who, when, what, वो, ठीक है। तो जर्मन में भी वैसे ही होता है, वी वो है वेर वास, ठीक है। तो उनकी प्लेसमेंट्स, हम उनकी प्लेसमेंट्स पे अभी हम ध्यान देते हैं कहाँ पे रहता है, सो दैट आपको क्वेश्चन फॉर्म करने में और आंसर फॉर्म करने में ईजी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वी वो है वो, ये इसको क्या बोलते हैं, फ्राग वोट। दास फ्राग अवॉर्ड, ठीक है। तो ये फ्राग अवॉर्ड जो आता है वो पहले नंबर पे आता है, उसकी पोजीशन पहली होती है, ठीक है। सेकंड पोजीशन होती है वर्ब की, वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे आता है, पहले पोजीशन पे फ्राग अवॉर्ड, सेकंड पोजीशन पे वर्ब, और थर्ड पोजीशन पे आता है जूबियक्ट, जूबियक्ट, ठीक है, ठीक है। तो और ये जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेटेड होता है, जैसे यहाँ पे हाइस्ट, वी हाइस्ट डू, वेयर कॉम्स डू, वेयर इज दस, ये भी तो कॉन्जुगेटेड ही है, पर ये आपको बाद में पता चलेगा, ये हम करेंगे तभी आपको पता चलेगा, ये भी कॉन्जुगेटेड ही है, ठीक है। और वो है कॉमन जी, कॉमन और जी कॉन्जुगेटेड होता है वैसे, ठीक है। तो इसका आंसर जब भी हम देते, देखे वो है कॉम्स डू, इश कॉम हाउस इंडियन, ठीक है। तो आंसर देते वक्त सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे आएगा वर्ब, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पूछते तभी फ्राग वर्ब पहले आता है, वो है दूसरे नंबर पे आता है वर्ब सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे आता है सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के साथ कॉन्जुगेटेड, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेटेड होता है, ठीक है। और फिर जब भी हम आंसर लिखते हैं तभी सब्जेक्ट पहले आता है, मतलब इश जो भी मैं कहाँ से आती हूँ ना, ठीक है। तो कॉमा वर्ब जो है वो दूसरे पोजीशन पे आता है और फिर बाकी का आंसर आता है, ठीक है। इधर तक आपको क्लियर हो गया,
होगा आई थिंक। सो नेक्स्ट, अभी इसका मतलब जान लेते हैं। वेयर का मतलब होता है हु, वेयर इज दास, इस्ट का मतलब इज, मैंने बता दिया था ठीक है, और दास मतलब दिस यहाँ पे ठीक है। वेयर, अभी ये जो वेयर है, ये वेयर जो है वो लोगों के लिए यूज होता है। वेयर इज दास हम किसी चीज़ को, चीज़ पड़ी है उसको पूछने के लिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते वेयर इज दास, ये मेंशन के लिए होता है। मेंशन पीपल, लोगों के लिए ठीक है। और ये वास जो होता है वो थिंग्स के लिए होता है, ज़ाकिन, ज़ाकिन थिंग्स, मतलब अगर एक टेबल या फिर चेयर पड़ी है तो मेरे को पूछना है वास इज दास, तो मतलब सपोज मेरे को पता नहीं है, अज्यूम करो कि मुझे ये पता नहीं कि इसको टेबल बोलते, तो मैं कैसे बोलूँगी वास इज दास ठीक है। तो मैं चीज़ों के लिए ये पूछूंगी ठीक है, चीज़ जो भी पड़ी है तो उसके लिए मैं वास बोलूँगी। और वेयर मेंशन के लिए, मतलब लोगों के लिए पूछना होता है ठीक है, इतना डिफरेंस है इन दोनों में ठीक है। एंड नेक्स्ट, अभी जब वर्ब पहले पोजीशन भी हो सकता है, वो फ्रागवर्ब भी बन सकता है ठीक है। यहाँ पे देखिए, सालेन जी सुजामिन ओडर गेतरन, सुजामिन का मतलब पहले मैं बता देती हूँ, टुगेदर मिलके, गेतरन का मतलब होता है सेपरेट ठीक है। तो सुजामिन का मतलब होता है टुगेदर, गेतरन का मतलब होता है सेपरेट ठीक है, सालेन का मतलब होता है टू पे, मतलब आप मिलकर पे करना चाहते हो या सेपरेटली पे करना चाहते हो, इसका मतलब वो है ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पे वर्ब पहले पोजीशन पे आता है ठीक है, पहले पोजीशन पे वर्ब आता है और दूसरे पोजीशन पे सब्जेक्ट आता है, कॉन्जुगेटेड वर्ब के, वर्ब सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेटेड आता है ठीक है। तो जालिन से सुजामिन और गेतरन, ये भी एक फॉर्म हो सकता है, एक्सेप्शन बोलो या कुछ भी बोलो, पर ये भी एक फॉर्म हो सकता है पूछने का ठीक है। म्योस्टन जी टे ऑर्डर काफे, म्योस्टन अभी हमने किया, म्योस्टन जी टे ऑर्डर काफे, तो वर्ब से ही शुरू किया, म्योस्टन जी टे ऑर्डर काफे, टे का मतलब की, काफे का मतलब होता है कॉफी ठीक है, तो वर्ब से भी हम शुरू कर सकते हैं। जाट्स फ्रागन, जाट्स फ्रागन में या नाइन के ऑप्शन होते हैं, या और नाइन के ऑप्शन होते हैं, देखिए मैं समझाती हूँ। माकेन जी, यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है वो वर्ब से ही शुरू हो रहा है, देखिए माकेन जी हाउस ऑफ गाबा, माकेन जी हाउस ऑफ गाबा पूछ रहे हैं ना, आर यू डूइंग होमवर्क, तो ये पूछ नहीं, तो आंसर क्या हो सकता है, हाँ मैं कर रही हूँ या फिर नहीं मैं नहीं कर रही हूँ, तो या और नाइन के ऑप्शन आ गए। वैसे आर बाइटन जी बाई जिमेंस, मतलब आप जिमेंस के साथ, जिमेंस में काम कर रहे हो, हाँ या नहीं आया ना आंसर। ड्रिंकन जी काफे, आपका कॉफी ड्रिंक कर रहे हो, हाँ या नहीं आंसर मिल रहा है ना, हाँ या नहीं, तो इसको जाट्स फ्रागन बोलते हैं ठीक है। स्पीलन जी फुसबाल या नाइन, स्पीलन मीन्स प्ले, फुसबाल मतलब एक गेम है जर्मन का ठीक है, स्पीलन जी फुसबाल या नाइन। कॉमन जी ऑफ डॉचलैंड या नाइन, इश कॉमा ऑफ डॉचलैंड, नाइन इश कॉमा ऑफ डॉचलैंड, तो आंसर देने के भी तरीके है, देखिए माखन जी हाउस ऑफ गाबा, या पहले बोलना है, या इश माख दी हाउस ऑफ गाबा, नाइन इश माख दी हाउस ऑफ गाबा, निष्ठ का मतलब होता है नहीं मैं होमवर्क नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब ठीक है। आरबाइट इन जी बाई जिमेंस, या इश आरबाइट बाई जिमेंस, नाइन इश आरबाइट बाई जिमेंस, निष्ठ। ड्रिंक इन जी काफे, या इश ड्रिंक काफे, नाइन इश ड्रिंक काफे, निष्ठ। स्पील इन जी फुसबाल, या इश स्पील फुसबाल, नाइन इश स्पील फुसबाल, निष्ठ। अभी अब डिवाइड भी आगे भी बढ़ सकते हो, इश स्पील क्रिकेट, ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, नहीं मैं फुसबाल नहीं खेल रही हूँ, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, तो ये भी आपको मतलब आ सकता है, बढ़ा सकते हैं आगे है ना। कॉमन जी ऑफ डॉचलैंड, नाइन इश कॉमा आउस इंडियन, आगे भी आप बोल सकते हैं, नाइन इश कॉमा आउस डॉचलैंड, निश्ट इश कॉमा आउस इंडियन, ऐसे आप डिवाइड करके आगे बढ़ा सकते हैं ना आंसर ठीक है। तो नेक्स्ट, एक्सेप्शन बोलो या कुछ भी बोलो, यहाँ पे देखिए वास म्यूस्टन जी हाबन, दो वर्ब एक्सेप्शन, ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है, पर ये जो वर्ब है उसको बोलते हैं मोडल वर्ब,
मोडल वर्ब का टॉपिक बहुत बाद में है, आई थिंक 6th-7th लेसन में शायद, पर क्योंकि ये वर्ड इस चैप्टर में आया है इसीलिए मेरे को सिखाना पड़ रहा है, ठीक है। तो म्यूस्टेन का मतलब होता है, म्यूस्टेन का मतलब होता है वुड लाइक टू, और ये एक मोडल वर्ब है। टोटल देर आर 6 मोडल वर्ब्स, 6 है। तो जब भी मोडल वर्ब आता है तभी जब भी फ्रागव, तो फ्रागव पहले नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा मोडल वर्ब, तीसरे नंबर पे आएगा हमारा सब्जेक्ट, तो सब अभी, और चौथे नंबर पे आएगा हमारा जो मेन वर्ब है, हावेन, ट्रिंकेन, जो भी हमने किया है, कॉमन, श्वीलेन, ये सब जो भी वर्ब, ये सारे मेन वर्ब्स है। मॉडल वर्ब 6 उसमें से ये एक ध्यान में रखना, म्यूस्टेन एक मॉडल वर्ब है, ध्यान में रखना, ये रिवाइज करते जाना, म्यूस्टेन मॉडल वर्ब तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे जब भी मॉडल वर्ब आया, अगर आपको यूज़ करना हुआ वुड लाइक टू, वट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या खाना चाहते हो, तो म्यूस्टेन आ जाएगा। तभी क्या करोगे आप, पहले तो फ्रागव वर्ब आएगा वास, म्यूस्टेन दूसरे नंबर पे आएगा, मॉडल वर्ब दूसरे नंबर पे आएगा, फिर उसके नंबर पे तीसरे नंबर पे आएगा सब्जेक्ट जो होता है नॉमिनेटिव, ठीक है। और फिर म्यूस्टेन सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट करना पड़ेगा आपको सिर्फ इस सिचुएशन में, ठीक है। मॉडल वर्ब जो है उसको आपको सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, और जो मेन वर्ब जो लास्ट में आता है फिर वो इन्फिनिटिव फॉर्म में होता है। इन्फिनिटिव फॉर्म मतलब ओरिजिनल फॉर्म, याद रखना, इन्फिनिटिव फॉर्म मतलब ओरिजिनल फॉर्म, और कॉन्जुगेट कौन सा वर्ब होगा, मॉडल वर्ब, याद रखना, कॉन्जुगेट कौन सा वर्ब होगा, मॉडल वर्ब, और जो मेन वर्ब होगा वो लास्ट में, एकदम लास्ट में लिखना, पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद लास्ट में वो वर्ब लिखना, ठीक है। और वो आएगा इन्फिनिटिव फॉर्म मतलब ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। जैसे वास म्यूस्टेन जी ट्रिंकेन, इश म्यूस्ट काफे टी कैपेचिनो, जो भी ड्रिंक करना है, फिर बाद में ट्रिंकेन लिखना है। आंसर देते वक्त देखिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले दूसरा आएगा मॉडल वर्ब, आंसर देते वक्त भी वही सीक्वेंस होगा, ठीक है। मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे और कॉन्जुगेट सब्जेक्ट के साथ ही होगा, ठीक है। पर आंसर देते वक्त सब्जेक्ट पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे मॉडल वर्ब आएगा, फिर थर्ड में आप जो भी लिखना चाहते हो सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, और फिर ट्रिंकेन आएगा या फिर हाबेन, इश म्यूस्ट काफे कैपेचिनो टे वासर हाबेन या फिर ट्रिंकेन, ठीक है। तो अभी नाम पूछने के भी दो तरीके होते हैं, देखिए वी हाइफन जी ऑर्डर वी इस्ट ईयर नामा। तो अगर मैंने अगर आपको पूछा वी इस्ट ईयर नामा, तो आप ये भी बता सकते हैं माय नामा इस्ट इश हाइजर ऑर्डर इश बिन, इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं इश हाइज वी हाइजन जी माय नामा इश इश बिन ऐसे, नहीं तो वी इस्ट ईयर नामा अगर मैंने पूछा तो इश हाइजर इश बिन का मतलब होता है आई एम, ये भी करेक्ट है। इंग्लिश में भी ये होता है ना, आई एम श्वेता, आई एम अपर्णा, आई एम हर्षा। नेक्स्ट अगर आपको पूछना हो इसको जर्मन में क्या बोलते हैं, तो कैसे बोलेंगे, मेन जो मेन हम जो बोलते हैं जर्मन में बोलते हैं जो वी हाइस्ट दास ऑफ डॉइच, जो ज़्यादा करके यूज होता है वी हाइस्ट दास ऑफ डॉइच, इसको जर्मन में क्या बोलते हैं, इसका मतलब है दास, तो आंसर बोलते हैं, आंसर ऐसा है Das heist, das heist, supposes stool है, tisch है, मतलब टेबल, स्टूल का मतलब चेयर, tisch का मतलब टेबल, das heist tisch of Deutsch, das heist stool of Deutsch, ऐसे। तो यहाँ पर भी देखिए वर्ब जो है वो सेकेंड पोजिशन पे आ रहा है, फ्रागा वर्ब जो है वो पहले आ रहा है, वर्ब सेकेंड पोजिशन पे, और जो सब्जेक्ट है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और आंसर देते वक्त जो सब्जेक्ट है वो पहले और जो वर्ब है वो सेकंड पोजीशन पे और फिर रेस्ट ऑफ द थिंग, ठीक है। तो ये एक क्लियर व्यू मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। वे फ्रागव में पोजीशन, फ्रागव वर्ब की कहाँ पे होती है, वर्ब की कहाँ पे होती है, जूबियक की कहाँ पर होती है, और आंसर में कहाँ पर होती है, ये मैंने और ये मैंने लिख के दिया है एकदम क्लियरली। एंड ये जो येलो में मैंने जो किया है वो मतलब सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब कॉन्जुगेट हो रहा है, वी ए मैंने येलो में आपको करके दिया है, ठीक है। सो यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ दिस दैट्स फ्रागा नेक्स्ट या नाइन, वर्ब कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट कहाँ पे आता है,
और येलो में जो कॉन्जुगेट किया गया है सब्जेक्ट के साथ वो मैंने करके रखा है, ठीक है या नहीं, ठीक है। एंड नेक्स्ट मोडल वर्ब, मोडल वर्ब आता है तभी मेन वर्ब जो है वो एंड में चले जाता है इन्फिनिटिव फॉर्म में। एम बी मतलब मोडल वर्ब, ठीक है। आई एन एफ मतलब, ई एन एफ मतलब इन्फिनिटिव फॉर्म, ठीक है। तो कौन से वर्ब के साथ सब्जेक्ट कॉन्जुगेट हो रहा है वो मैंने येलो कलर में करके रखा है, देखें। तो यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ दिस।